हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑटो स्पेस। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न गाड़ी में एयर ब्रेक सिस्टम कैसे रहते हैं, पूरा लाइन डायग्राम के साथ और हर एक पोर्ट के साथ, जो कहाँ कहाँ कौन सा नंबर पोर्ट में क्या क्या पाइप लगता है और कैसे सप्लाई होता है हर सिस्टम में एयर, और पूरा कैसे काम करता है, आज हम लोग उसी बारे में जानेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये लाइन डायग्राम पूरा समझ जाएंगे तो आपको अगर आगे जाके जो भी काम करना है गाड़ी में, एयरबैग सिस्टम में जो इम्प्लीमेंट करना है, या गाड़ी का एयरबैग सिस्टम पूरा डैमेज हो गया उसको रिप्लेस करके कैसे नया एयरबैग सिस्टम बनाएंगे, तो सारे जानकारी यहीं से मिल जाएगा। ये टू एक्सल मतलब फोर व्हील के लिए मैं बनाया हुआ एयरबैग सिस्टम, अगर ये पूरा आप समझ जाएंगे तो इसको आगे जाके थर्ड एक्सल या फोर्थ एक्सल का ब्रेक सिस्टम आप इजिली बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा सिस्टम जो है उसको अच्छे से समझ जाइए, तो आगे जाके आपको बहुत सारे सुविधा होगा। तो यहाँ पे मैं लाइन डायग्राम के साथ हर एक कंपोनेंट जो है उसको अटैच किया हूँ। हर एक कंपोनेंट के बारे में अलग अलग आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज देखेंगे एयरबैग सिस्टम में, मॉडर्न गाड़ी में, मॉडर्न एयरबैग सिस्टम में कैसे काम करता है, और वो जो गाड़ी अभी चल रहा है वो गाड़ी में कैसे एयरबैग सिस्टम का लाइन डायग्राम रहता है, कहाँ से कहाँ एयर जाता है, उसमें कैसे काम करता है, सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो एयरबैग सिस्टम के लिए मेन एयर जहां से आता है फिल्टर हो गया, वो है एयर फिल्टर। इंजिन जैसे स्टार्ट करता है तो एयर फिल्टर से कंप्रेसर एयर साक्स मतलब खींचना चालू कर देते, जैसे कंप्रेसर एयर खींच के उसको कंप्रेस करके आगे सिस्टम यानी डीडीयू में भेज देते हैं। तो डीडीयू में जैसे एयर भेज दिया, डीडीयू का मेन काम है, सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट डीडीयू का फुल फॉर्म है। उसमें एक काम है एयर के अंदर जितना ऑयल और वाटर पार्टिकल है उसको अलग करना है। अलग करने के बाद वो नीचे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है डीडीयू का नीचे रहता है क्यूएसपीबी क्वाड्रेबल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व को वो एयर भेज देते हैं। वो एयर भेजने के बाद क्वाड्रेबल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व अलग अलग जो फंक्शन है उसके हिसाब से एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो डीडीयू में जो एयर आते हैं कॉम्प्रेसर से वो डीडीयू का नंबर वन मतलब एक नंबर पोर्ट में वो एयर एंटर होता है डीडीयू का अंदर। तो एक छोटा सा टिप्स ये है कि एयर सिस्टम में कोई भी कंपोनेंट में नंबर वन से कोई पोर्ट का नाम चालू होगा तो मतलब एयर वहां पे इन हो रहा है, और टू से कोई कंपोनेंट का मतलब पोर्ट नंबर अगर टू से स्टार्ट होगा तो वो एयर वहीं से आउट हो रहा है। तो यहाँ पे डीडीयू में एक नंबर जो पोर्ट है उसमें कंप्रेसर से डायरेक्ट आके एंटर हो गया एयर। एयर होने के बाद डीडीयू में ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम में यहाँ पे डीडीयू में और चार पोर्ट आप देखेंगे 21, 22, 23, 24। 21 नंबर पोर्ट से एयर आउट होके जाएगा आपको। ये 21 नंबर पोर्ट से एयर ब्लू लाइन आपको जा रहा है रियर एयर टैंक रिजर्वर जो है जहां पे स्टोर होता है वहीं पे जा रहा है। 22 नंबर जो रेड लाइन है ये रेड लाइन से ये जो लाइन है ये जा रहा है फ्रंट एयर टैंक मतलब फ्रंट एयर रिजर्वर जो टैंक है जहाँ पे फ्रंट एक्सल ब्रेकिंग के लिए जो एयर स्टोर होता है वो जा रहा है फ्रंट एक्सल एयर रिजर्वर जो टैंक है उसमें एयर स्टोर होता है। और डीडीयू में जो थर्ड नंबर जो पॉइंट है 23 और 23 से एयर सप्लाई होता है हैंड ब्रेक में शॉर्ट में लिखा हो एचवी हैंड ब्रेक जो फंक्शन है वो उसमें जाता है। और 24 नंबर से जो एयर डीडीयू से निकलते हैं वो जाता है एडिशनल पोर्ट मतलब एसएसएल स्टेशन के लिए, जैसा एयर हॉर्न हो गया और डिफरेंशियल लॉक एक्चुएटर हो गया लिफ्ट एक्सेल हो गया या सस्पेंशन हो गया, बहुत सारे फंक्शन के लिए आप एडिशनल पोर्ट को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली डीडीयू में वन नंबर जो है वो कंप्रेसर से एंटर हो गया एयर, वहां के बाद ड्राइंग होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है 21, 22, 23, 24 से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो रियर एक्सेल के लिए जो एयर रिजर्वर टैंक और फ्रंट एक्सेल के लिए एयर रिजर्वर टैंक, अभी इसके बाद कंपोनेंट आता है ड्यूअल ब्रेक वाल्व डीबीवी ड्यूअल ब्रेक वाल्व जो हमारा फुट पैडल जो रहता है फुट पैडल वो पैडल के उधर रहता है जहां पे हम लोग ब्रेक दबाते हैं वो जस्ट ब्रेक पैडल के पीछे या नीचे ये फुट मतलब ड्यूअल ब्रेक वाल्व रहते हैं। ड्यूअल ब्रेक वाल्व बेसिकली चार पोर्ट होते हैं 11, 12, 21 और 22 एक 11 नंबर में पोर्ट में कहां से एयर आता है, 11 नंबर पोर्ट में एयर आता है आपको रियर एयर रिजर्वर जो टैंक है ब्लू लाइन आ रहा है
ये ब्लू लाइन आके डायरेक्ट ड्यूल ब्रेक वाल्व में आ रहा है, मतलब ड्यूल ब्रेक वाल्व का 11 नंबर पोर्ट तक रियर ब्रेक के लिए हमेशा एयर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन से एक लाइन कनेक्ट कर दिया आरजी टू रिले वाल्व, ये रियर एक्सल के लिए जो रिले वाल्व होते हैं वो आरजी टू रिले वाल्व का एक पॉइंट में वो हमेशा एयर मौजूद है, मतलब रियर एक्सल जो रिजर्वर टैंक से कनेक्शन आता है वो एक ड्यूल ब्रेक वाल्व में जाता है और ये आरजी टू रिले वाल्व तक जाते हैं। और ड्यूल ब्रेक वाल्व में जो 12 नंबर पोर्ट है जो फ्रंट एक्सल ब्रेकिंग के लिए है वो रेड लाइन कहाँ से है, फ्रंट एक्सल एयर रिजर्वर जो टैंक है वहां से कनेक्शन देखिए रेड लाइन आ रहा है, रेड वाला कनेक्शन आके यहाँ पे 12 नंबर, मतलब यहाँ पे 11 नंबर में रियर एक्सल ब्रेकिंग के लिए हमेशा एयर मौजूद है और 12 नंबर पोर्ट में फ्रंट एक्सल ब्रेकिंग के लिए टैंक से हमेशा एयर यहाँ पे मौजूद है। तो इसमें 11 नंबर रियर एक्सल ब्रेकिंग के लिए इन है और 12 नंबर फ्रंट एक्सल ब्रेकिंग के लिए इन है। अभी इस बार देखेंगे जैसे हम लोग ब्रेक दबाया, जैसे फुट ब्रेक वाल्व हम लोग पेडल को दबाया ब्रेकिंग के लिए, पेडल को दबाने के बाद अंदर का जो पिस्टन है वो पिस्टन नीचे तरफ मूव करते हैं और 11 नंबर से पोर्ट से जो एयर था वो 21 नंबर पोर्ट होके रिलीज होता, मतलब बाहर निकल जाता है, 21 बोला तो 22 बोला था, 2 बोला तो हमेशा आउट होते है एयर, तो वो 21 पोर्ट से रिलीज होके डायरेक्ट रियर ब्रेकिंग के लिए निकलते हैं और 22 नंबर पोर्ट से डायरेक्ट ये रेड लाइन जाता है फ्रंट एक्सल ब्रेकिंग के लिए। 21 नंबर पोर्ट से एयर निकल के सीधा जा रहा है, ये ब्लू लाइन जाके जा रहा है आरजी टू रिले वाल्व, ऑलरेडी पहले से आरजी टू रिले वाल्व में एयर हमेशा कॉन्स्टेंट है, इसमें एक कॉन्स्टेंट रहता है क्योंकि आरजी टू रिले वाल्व में एक पॉइंट में एयर हमेशा टैंक थ्रू टैंक एक कॉन्स्टेंट रहता है। जैसा ब्रेक दबाया 21 से एयर जाके जस्ट इसको रेस्पॉन्स कर दिया आरजी टू रिले वाल्व को, जो आपको ब्रेक लगाना है एक्सेल में, जैसा रेस्पॉन्स करेगा तो डायरेक्ट टैंक से एयर ये जो ब्रेक रियर एक्सेल में जो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर है वो डायरेक्ट एयर ये जो दो डिलीवरी पोर्ट है, ऐसा अब आरजी टू रिले वाल्व में देखेंगे नीचे तरफ दो पोर्ट रहते हैं वो पोर्ट में DEL लिखा रहता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में वो है डिलीवरी पोर्ट है। जैसा यहाँ पे 21 से एयर आके आरजी टू रिले वाल्व में सेंस किया और यहाँ पे जो डायरेक्ट एयर आ रहा था वो एयर आके दोनों में डिलीवरी पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, मतलब आउट हो जाएगा, जाके स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का 11 नंबर पोर्ट में वो सर्विस ब्रेक के लिए कनेक्शन रहता है, जो आरजी टू रिले वाल्व का डिलीवरी पोर्ट डिलीवरी लाइन जा रहा है वो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का 11 नंबर मतलब 11 नंबर पोर्ट में वो रहेगा, इसको बोलते हैं सर्विस ब्रेक, सर्विस ब्रेक। यहाँ से डिलीवरी का एक लाइन जा रहा है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का 11 नंबर में और दूसरे स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का वो भी 11 नंबर में जा रहा है। स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में दो पोर्ट रहता है, फर्स्ट पोर्ट होता है 11 नंबर जो सर्विस ब्रेक के लिए आता है आरजी टू रिले वाल्व में और 12 नंबर जो पोर्ट होता है वो आता है आपको हैंड ब्रेक फंक्शन के लिए, अगर आप ए पाइप को उल्टा कर दिए तो गाड़ी में ब्रेक हमेशा लगा रहेगा या ब्रेक नहीं लगेगा, कोई भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी देखेंगे फ्रंट एक्सेल के लिए, फ्रंट एक्सेल के लिए क्या होता है, जैसा हम लोग ब्रेक दबाया ड्यूल ब्रेक वाल्व में 12 नंबर से यार आने लगेगा, 22 नंबर से रिलीज हो जाएगा यार, रिलीज होके कहाँ होगा ये रेड लाइन आपको दिख रहा है, 22 नंबर से आके डायरेक्ट मिलेगा और रिले वाल्व नॉर्मल रिले वाल्व, ये आरजी टू रिले वाल्व नहीं है, ये नॉर्मल रिले वाल्व जो इसको आप बोल सकते हैं क्विक रिलीज वाल्व QRV क्विक रिलीज वाल्व, तो ये जो क्विक रिलीज वाल्व में आया ये दोनों डिलीवरी पोर्ट से यार को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपको, आपको ये ब्रेक चेंबर में, जैसा ब्रेक चेंबर में एयर पहुंच गया तो वहां जाकर एक्चुएट हो गया, ब्रेक लग गया गाड़ी में, तो जैसे ब्रेक छोड़ देंगे तो ये जो 11 से 21 और 12 से 22 एयर सप्लाई हो रहा था वो दोनों एयर सप्लाई बंद हो जाएगा और फ्रंट एक्सेल में जो ब्रेक चेंबर है वो ब्रेक चेंबर में जितना एयर गया था वो एयर आपको क्विक रिलीज वाल्व में रिलीज हो जाएगा, क्विक रिलीज वाल्व से रिलीज हो जाएगा एटमोस्फियर में और क्विक रिलीज वाल्व से लेकर ड्यूल ब्रेक वाल्व का जितना एयर था वो ड्यूल ब्रेक वाल्व से रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली रियर एक्सल के लिए जो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में जो इतना एयर गया था वो एयर आपको रिलीज हो जाएगा यहाँ रिटर्न आके आरजी टू रिले वाल्व से रिलीज हो जाएगा एटमोस्फियर में और आरजी टू रिले वाल्व लेके 21 तक ड्यूल ब्रेक वाल्व का जो जितना एयर था वो आके रिटर्न हो जाएगा ड्यूल ब्रेक वाल्व से एटमोस्फियर में, तो आपको
गाड़ी ब्रेक रिलीज हो जाएगा और गाड़ी फिर मूव होने लगेगी। तो अभी हम बात करेंगे हैंड ब्रेक लेके। हैंड ब्रेक का फंक्शन क्या होता है? ये डीडीयू से 23 नंबर पोर्ट से यार हमेशा हैंड ब्रेक का 1 नंबर पोर्ट में कांस्टेंट रहता है और 2 नंबर पोर्ट से आउट होके ये डायरेक्ट स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का 12 नंबर पोर्ट में कनेक्टेड रहता है। तो हैंड ब्रेक का फंक्शन और सर्विस ब्रेक का फंक्शन दोनों पूरा ऑपोजिट है। अब सर्विस में भी क्या देखा था, जैसा फुट पेडल दबाएंगे ये ड्यूल ब्रेक वाल्व, जैसा हम फुट पेडल को दबाएंगे तो ड्यूल ब्रेक वाल्व से यार आके आपको सर्विस ब्रेक का जो ब्रेक चेम्बर है मतलब स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का जो पोर्शन है, ब्रेक चेम्बर पोर्शन है, उसमें यार जाके हमको ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं। जैसा हम फुट ब्रेक वाल्व छोड़ देते हैं तो यहाँ से यार रिलीज हो जाता है तो ब्रेक हमारे गाड़ी में छोड़ देते हैं। हैंड ब्रेक का फंक्शन इसका पूरा उल्टा है। जैसा हम लोग हैंड ब्रेक को अभी ऑफ कंडीशन में जैसा रखा, तो ऑफ कंडीशन में क्या होता है, ये वन हैंड ब्रेक का अंदर से एयर आके स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के अंदर ये जो हैंड ब्रेक वाला जो पोर्शन है वो हैंड ब्रेक वाला पोर्शन के अंदर एक कॉइल स्प्रिंग और डायफ्राम है, तो वो एयर आके क्या करते हैं कॉइल स्प्रिंग को आप करके लिफ्ट अप करके रखते हैं, लिफ्ट अप करके रखते हैं इसीलिए कि हमारा सर्विस ब्रेक काम कर सके। अगर वो जैसा हम लोग हैंड ब्रेक को ऐसा गाड़ी को पार्किंग कंडीशन में हमको खड़ा करना है गाड़ी को, तो जैसा पार्किंग कंडीशन में खड़ा करके हैंड ब्रेक को ऑन कर दिया तो 1 नंबर से 2 नंबर हवा जाना बीच में रुक जाता है, बंद हो जाता है और स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के अंदर जितना हैंड ब्रेक का दबा हुआ एयर था वो एयर हैंड ब्रेक के अंदर से यहाँ एटमोस्फियर में रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद क्या होता है, हैंड ब्रेक का जो अलग चेम्बर था वो अलग चेम्बर के अंदर जो स्प्रिंग था वो स्प्रिंग हवा नहीं रहने के कारण वो फैल जाएगा। स्प्रिंग फैलने के बाद अंदर का जो एक कनेक्टेड पुश रॉड है वो फिर आपको ये जो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का जो पुश रॉड है वो पुश रॉड को आपको दबा के ब्रेक को अप्लाई कर देगा। ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी पार्किंग कंडीशन में आपको खराब हो जाएगा, वो गाड़ी आगे भी नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा। ये था हैंड ब्रेक का फंक्शन जो सर्विस ब्रेक से पूरा उल्टा है। और अब देखा ये जो ब्रेक चेम्बर है, ब्रेक चेम्बर में आपको एक ही सिंगल चेम्बर रहता है सर्विस ब्रेक के लिए, और ये स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर जो है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के अंदर 2 चेम्बर रहते हैं, एक रहता है सर्विस ब्रेक के लिए वाला पोर्शन और ये ऊपर वाला एक पोर्शन रहता है वो हैंड ब्रेक के लिए। सेम सिमिलरली इसमें भी सर्विस ब्रेक के लिए एक चेम्बर रहता है और हैंड ब्रेक के लिए एक चेम्बर रहता है। और एक बात वो जरूरी है, वो जो हर जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट का अगर अपने वो जो इनपुट और आउटपुट लाइन का जो नंबर है वो नंबर अगर आपको याद हो जाए तो कोई भी पाइप इधर उधर होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अब नंबर देख के उसको पता चलता है जो ए पाइप कहाँ जा रहा है और ए पाइप कहाँ से आ रहा है, मतलब ये जो कंपोनेंट अलग अलग है उसमें कहाँ से जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो ये था पूरा एयरबैग सिस्टम का डायग्राम। अब इसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, आपको आगे जाके बहुत सारे काम आएगा इसको। और ये वीडियो को अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू।